वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्रिज एपीआई का वेब सॉकेट एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने यहाँ पे ये ब्रिज कनेक्ट ऑफिशियल वेब लिंक ओपन की है। ओके, ब्रिज कनेक्ट एपीआई की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने ये वेब सॉकेट यूजेज का एक पूरा कोड दिया है। ओके, सो यहाँ पे आपको मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है। सो सिंपली हमने ये देखा था अभी तक ये कि जनरेट सेशन करते हैं। ओके, और ये जो कोड है पूरा वो वेब सॉकेट के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले हमने ब्रिज जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने कनेक्ट किया है, हमने ये फंक्शन लिखा है। ये ऑन टेक डेटा फंक्शन है, जब भी आप डेटा रिसीव करोगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी लॉजिक लिखना है अगर आपको प्रोसेस करना है वेब सॉकेट के डेटा को। हमने ये ऑन अंडरस्कोर टिक, हमने कॉल बैक फंक्शन को ये असाइन किया है। ओके, तो ये आपको असाइन करना है। ब्रिज में एक ऑन अंडरस्कोर टिक्स फंक्शन है, उसको हमने ये रेफरेंस दिया था, एवरी टाइम जब हम डेटा रिसीव करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब आप किसी भी स्टॉक में सब्सक्राइब करना हो तो देर आर टू वेज। वन इज यू कैन यूज द कोड, ओके, दैट इज हियर वी हैव मेंशन एक्शन अंडरस्कोर कोड। और सेकंड, आप डायरेक्टली टोकन प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, अगर आपको टोकन कहाँ से फैच होना है वो देखना है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमने सिंबल टोकन मैप की जो उसकी एक्सेल फाइल है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो टिक के कॉलम है दैट इज़ अ टोकन। ओके, ये वेब सॉकेट में टिक के यूज होता है। अब आप दो वे से कनेक्ट कर सकते हो, वन इज ये टोकन से और एक डायरेक्टली आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। अब टोकन में भी अगर देर आर टू वेज, यहाँ पे देखो स्टॉक 1.1 लिखा है, उसके बाद कोटेशन मार्क है और यहाँ पे टोकन नंबर है। तो यहाँ पे भी देखो आप स्टॉक टोकन के लिए 4.1 है और 1.1 है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैन्युअली एग्जिट करके कि कौन से टोकन के लिए 4.1 है और 1.1 है। अगर आपको नहीं करना तो सिंपली आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन में आपको क्या क्या पास करना है, फॉर एग्जाम्पल NFO एक्सचेंज कोड, NFO स्टॉक कोड। ओके, जो स्टॉक कोड है हमने मैंशन किया सिंबल टोकन मैपिंग में। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे ये स्टॉक कोड है जी एंटरटेनमेंट, ZEE ENT। अब प्रोडक्ट टाइप है ऑप्शंस, एक्सपायरी डेट है 31st मार्च। ओके, स्ट्राइक प्राइस 350 एंड राइट इज कॉल। और यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक को ट्रू रखना है, गेट एक्सचेंज कोड और डेप्ट। सो हम अगर कोड्स लिखेंगे तो ये ट्रू आएगा, सिर्फ LTP आएगी। सेम भी अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर फैच करना है तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो डेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन लोगों ने प्रोवाइड किया, आप देख सकते हो। ओके, वन बाय वन हर एक पैरामीटर के लिए कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने ये क्या किया है, आपको पता ही है ये हमारा जो सिंबल टोकन इनिशियलाइजेशन है और इंस्ट्रूमेंट का कोड फैच करने के लिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक सेशन जनरेट किया है, फिर मैंने जेल जो इक्विटी है उसका मैंने टोकन फैच किया है। ठीक है, फिर हमने वेब सॉकेट से कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 टोकन में सब्सक्राइब किया है, तो ये फर्स्ट वन है, ये तो डेटा एज इट इज है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने यहाँ पे 3 टोकन में सब्सक्राइब किया है, फर्स्ट इज हमने जो यहाँ पे टोकन फैच किया है, ओके, वो टोकन से फैच किया, तो ये जिल इक्विटी के लिए है। ओके, सेकंड मैंने क्या किया है, बैंक है CNX बैंक। ओके, उसका भी आप टोकन फैच करके उससे आप कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है NFO CNX बैंक, ऑप्शन एक्सपायरी डेट स्ट्राइक प्राइस कॉल, ओके, वो फैच किया। तो ये मैंने दूसरा जो है सब्सक्राइब किया है वो मैंने ऑप्शन के लिए किया है। ठीक है, और जो थर्ड सब्सक्राइब है वो मैंने फ्यूचर के लिए किया है, तो यहाँ पे मैंने ये जिल फ्यूचर है NFO जिल फ्यूचर। ओके, फ्यूचर का मैं वेब सॉकेट से LTP फैच करूँगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये वाइल ट्रू कर दिया है, डिले दिया है 5 सेकंड का, न्यू इटरेशन मुझे पता चले कि अगर मैं डिले दे रहा हूँ तो वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये मैंने क्या किया, अगर ग्रेटर देन 15 और 13 है तो वो एक्सिट कर ले। ये सिर्फ कंटिन्यूस अगर आपको रन करना है इसके लिए वाइल लूप मैंने लिखा है, तो लेट्स रन इट। ओके, बिफोर वी रन, ओके, लेट्स रन इट। तो आपको यहाँ पे देखो 3812 ये जिल इक्विटी का कोड है, 3812। ठीक है, फिर कौन कौन से कोड आए हैं यहाँ पे देखो 58235 और एक और होगा शायद 58157। ठीक है, तो हम देखते हैं 3812
8 1 2। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके लेट्स बैक फाइंड प्रीवियस। ओके आप यहाँ पे देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट, ठीक है 3812 स्टॉक है, इक्विटी है जो हमने यहाँ से फिल्टर किया ही है इक्विटी से, ये फंक्शन से गेट टोकन इन्फो से। लेकिन ये जो दो टोकन फैच हुए, आप देखो यहाँ पे हमें कहीं पे भी सिंबल नाम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 58154, तो ये किसका है देख लेते हैं, 58157। ओके सो ये किसका है, या जिल फ्यूचर का, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके जिल फ्यूचर का मार्च का। और एक कोड है हमने जो डिस्कस किया, यहाँ पे हमने फैच किया है, ओके तो यहाँ से ही आपका जिल को कोड मिला। और एक है 58235, 58235। ओके सो लेट्स फाइंड, ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन है 35,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, ओके तो इसके डेटा भी हमें वेब सॉकेट से मिल रहे हैं। अब ये कंटिन्यू रहेगा, ओके आपको प्रोसेस करना है तो सिंपली यहाँ पे ऑन टिक पे करो, लेकिन वो हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये वो कंटिन्यूस डेटा फैच कर सेंड कर रहा है, ओके सो आप कैसे हैंडल करोगे इन फ्यूचर वी विल सी। बट ये वीडियो में हमने सिर्फ वेब सॉकेट का यूज़ देखा है ICICI डायरेक्ट ब्रिज API का। If you like my video, subscribe to my channel and share with others. Thank you.